दोस्तों, कैसे इस आदमी ने अपने मरने का इनविटेशन अपने बच्चों को भेजा, उसके बाद जो हुआ उससे सबका दिल पिघल गया। यानी कि घटना जर्मनी की है, जब एक 84 साल के बुजुर्ग आदमी की पत्नी 50 साल खुशियों की बिताकर मर चुकी थी, जहाँ बुजुर्ग आदमी के 5 बेटे विदेशों से अपनी माता के अंतिम संस्कार पर पहुंचे और वापस काम पर लौट गए। उसके बाद जब एक दिन क्रिसमस आया तो बुजुर्ग पिता से मिलने केवल उसके 2 बच्चे ही आए, जहाँ पहले कभी पूरा परिवार क्रिसमस पर एक साथ शामिल हुआ करता था। लेकिन अब बुजुर्ग आदमी का अकेला जीना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद बुजुर्ग आदमी का जन्मदिन आया, जहाँ सभी रिश्तेदारों बच्चों ने उन्हें गिफ्ट और बधाइयां दी। लेकिन इस बार भी वह घर में अकेले थे। ऐसा 2 सालों तक चलता रहा। उसके बाद जब अगला क्रिसमस आने वाला था तो पिता ने 3 दिन पहले सभी बच्चों को दुख भरा लेटर लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था कि उनके पिता मर चुके हैं। ये पढ़ते ही सभी चौंक गए। फिर उसके बाद सभी विदेशों में अपने काम छोड़कर अपने घर आ गए, जहाँ उन्हें एक बड़ी सी टेबल बीच में रखी हुई दिखाई दी और पूरा घर सजा हुआ मिला। तभी किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब बच्चों के पिता अंदर से कमरे में से निकल कर आए तो सभी की आंखें भर आई और सबको कहा कि उनके पास यही एक तरीका था सबको अपने पास बुलाने का, जिसके बाद इस घर में वापस खुशियां आ गई। दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए।